नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। एक महिला सिर्फ एक औरत होती है, ना वो किसी जाति की होती है, ना धर्म की, ना ही देश की, ना विदेश की, ना अमीर होती है, ना गरीब होती है, ना ही गृहिणी होती है, ना ही कामकाजी होती है, और ना ही आम औरत और ना ही रसूख वाली। वो सिर्फ औरत होती है, ना काली ना गोरी, ना मोटी ना पतली, ना दलित और ना ऊंची जाति की। लेकिन तब क्या हो जब महज आपकी सूरत और दलित होने के नाते आपका मजाक बनाया जाए और एक बड़े मंच पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। और जिस औरत का मजाक बनाया गया वो थी यूपी की पूर्व सीएम सुश्री मायावती, जो एक दलित नेता है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है। दरअसल एक पुराना वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसके बाद ट्विटर पर बवाल हो गया। मायावती पर टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिनेता रणदीप हुड्डा हैं। पहले ये वीडियो सुनिए और फिर आपको सब समझ आ जाएगा। मिस मायावती, शी इज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट विद टू किड्स, टू बॉयज, एंड देयर वाज अ मैन लाइक आवर मैन हियर। ही आस्क्ड हर, आर दे ट्विन्स? She said, no, he's 4, he's 8. He says, I can't believe someone's been there twice. वीडियो को देखकर सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि हैशटैग अरेस्ट रणदीप हुड्डा क्यों ट्रेंड हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने रणदीप को खूब गलियाया और माफी मांगने की मांग की। साथ ही कहा कि ये सिर्फ मायावती नहीं, पूरे दलित समाज पर टिप्पणी की गई है, जिसके लिए रणदीप को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक रणदीप की तरफ से ना तो माफी मांगी गई है और ना ही उनका कोई बयान सामने आया, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला जरूर लिया गया। दरअसल अभिनेता रणदीप हुड्डा को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है। अभिनेता की सोशल मीडिया पर 9 साल पुराना एक वीडियो के लिए आलोचना की जा रही है, जिसमें वो मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया हाउस की तरफ से 2012 में आयोजित एक कार्यक्रम का ये 43 सेकंड का वीडियो है, जिसे ट्विटर पर एक व्यक्ति ने शेयर किया। इस वीडियो में हुड्डा ने एक चुटकुला सुनाया जिसे जातिवादी बताया जा रहा है और वो दर्शकों के साथ हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएमएस की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया, सीएमएस सचिवालय को वीडियो में की गई टिप्पणी अपमानजनक लगी है और वो सीएमएस सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को नहीं दर्शाती। इसके बाद एम्बेसडर पद से रणदीप हुड्डा को हटा दिया गया है। लेकिन इस पूरे तथ्य से समझने वाली बात यह है कि एक महिला पर टिप्पणी की जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है, उसके बावजूद अब तक ना तो उस व्यक्ति ने माफी मांगी है, ना ही कोई उनका बयान सामने आया है। रणदीप हुड्डा, जिनके बहुत सारे फैंस हैं, लाखों फैंस हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग भी, उनके एक्शंस भी। अभी हाल ही में राधे फिल्म में, जो कि सलमान खान की फिल्म थी, विलन का किरदार उन्होंने निभाया। लेकिन वाकई इस कृत्य से वो औरतों के मन में विलन बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक औरत सिर्फ औरत होती है, महज एक औरत।